वेलकम टू सिम्स इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो के अंदर हम हाउसकीपिंग का रिलेटेड डिपार्टमेंट देखेंगे जो रूम से रिलेटेड है। रूम पिछली वीडियोस में मैंने रूम स्टेटस और रूम ऑक्यूपेंसी जो रिपोर्ट है उसको बहुत अच्छे से समझाया था। अब रूम ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट जो है वो भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है। रूम ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट को होटल अकोमोडेशन जो डिविजन है वो तीन पार्ट में डिवाइड करता है। सबसे पहले ऑक्यूपाइड, उसके बाद वैकेंट और उसके बाद रेडी। तो ऑक्यूपाइड जो हमारा ऑक्यूपाइड है उसमें उसका रीजन क्या है ऑक्यूपाइड का, उस स्टेटस के अंदर ये पता चलता है कि गेस्ट ने चेक इन कर लिया है और रूम के अंदर स्टे कर रहा है, ये होगा ऑक्यूपाइड रूम। रूम स्टेटस के अंदर, रूम ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के अंदर, रूम ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के अंदर ROR के अंदर ऑक्यूपेंसी का मतलब है कि ये रूम ऑक्यूपाइड हो चुका है और गेस्ट आ चुका है, क्लियर। दूसरा है हमारा वैकेंट। वैकेंट जो रूम है हमारा वो जिसको जिसके अंदर गेस्ट नहीं है वो वैकेंट रूम कहलाएगा, मतलब गेस्ट ने चेकआउट कर दिया है उसके अंदर गेस्ट नहीं है वो वैकेंट रूम कहलाएगा। अच्छा, रेडी, ये और ये दोनों बहुत सिमिलर है। रेडी, वैकेंट रूम को इंस्पेक्ट कर लिया गया बाय द फ्लोर सुपरवाइजर, वो कहलाएगा वैकेंट रूम। फ्लोर सुपरवाइजर आया, उसने पूरा चेक कर लिया, उसकी तरफ से ओके है, मतलब रूम को लगाया जा सकता है या दूसरे गेस्ट को दिया जा सकता है, ये कहलाएगा हमारा वैकेंट रूम। तो वैकेंट रूम ऑक्यूपाइड रूम जिसमें गेस्ट आ चुका है और स्टे कर रहा है, वैकेंट रूम गेस्ट जा चुका है। हो सकता है कि वैकेंट रूम क्लीन हो या डर्टी हो। मान लो मैं अभी गेस्ट था और मैं निकला हूं और मैं चला गया वहां से, लेकिन मेरा वाला रूम जो है वो अभी मुझे पता नहीं वो क्लीन है या डर्टी है। तो क्लीन या डर्टी दोनों हो सकते हैं वैकेंट। लेकिन जो रेडी रूम है हमारा वो क्या है, इंस्पेक्ट कर लिया गया है सुपरवाइजर के थ्रू, मतलब उसको नए गेस्ट को हम दे सकते हैं, क्लियर। अब ये जो ROR जो बनती है, रूम ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट जब बनती है, तो इसके अंदर कुछ जो टर्म्स हैं या कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं होटल इंडस्ट्री के अंदर। तो ऑक्यूपेंसी, इट इज स्टैंड फॉर ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी अगर कहीं ट्रिपल ओ लिखा है रूम स्टेटस रिपोर्ट के अंदर तो उसका मतलब है ऑक्यूपेंसी। इसके साथ वीडी वैकेंट डर्टी, वैकेंट खाली हो चुका है बट रूम को साफ नहीं किया है, वैकेंट डर्टी। इसका एक और है वैकेंट क्लीन, V/C, वैकेंट क्लीन, वैकेंट रूम है लेकिन क्लीन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद है वैकेंट R, वैकेंट रेडी, जो मैंने यहां बताया वैकेंट रेडी, इंस्पेक्ट हो चुका है, वैकेंट है लेकिन इंस्पेक्शन हो चुका है बाय द फ्लोर सुपरवाइजर, ठीक है। इसके साथ साथ आपको देखने का मिलेगा अगर सिर्फ वैकेंट है, हमें कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, तो VCC लिखा आएगा, वैकेंट है, ना क्लीन का पता है ना डर्टी का पता है, तो हम क्या डालेंगे, VCC डालेंगे, वैकेंट हो गया, गेस्ट चेकआउट कर चुका है, हमें नहीं पता कि क्लीन हुआ है या डर्टी है अभी, तो हम VCC डालेंगे वैकेंट के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मिलेगा NL, नो लगेज, गेस्ट का लगेज ही मौजूद नहीं है रूम के अंदर, तो नो लगेज, नो लगेज, ठीक है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिल सकता है ट्रिपल ओ, आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, SL, स्लीप आउट, स्लीप आउट, ठीक है। स्लीप आउट पिछली वीडियोस आप मेरी चेक करेंगे उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है स्लिप आउट के ऊपर कि स्लिप आउट गेस्ट कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो रूम ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के अंदर यूज किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5-स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त।